हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो फाइनली जिस पल का इंतजार था डीसी फैंस को, वो पल आ गया और वार्नर ब्रदर्स ने फ्लैश मूवी का ट्रेलर रिवील किया है। और गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है इसके ट्रेलर को, और मेरे ख्याल से बेस्ट डीसी ट्रेलर है ये। जितने भी मैंने डीसी के ट्रेलर्स देखे हैं आज तक, उनमें आई थिंक बेस्ट ट्रेलर है ये। बिल्कुल वेल बैलेंस्ड ट्रेलर है, कहीं भी सीजीआई में कोई कमी नहीं है। 10 out of 10 मैं एक तरीके से रेटिंग दूंगा इसके ट्रेलर को। तो गाइस, इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा इस ट्रेलर का। हालांकि गाइस, एक वीडियो में फुल डिस्कशन करना तो नामुमकिन है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं इस मूवी में। तो इस ट्रेलर पे वीडियोस तो आते ही रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सीन दिखाया जाता है, वो हमें जो बैरी एलन है उसका चाइल्डहुड दिखाया जाता है। और एक चीज गाइस, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं इसके, जो एक्टर्स को हायर करते हैं कि इस रोल के लिए ये एक्टर सही रहेगा, उनको सबसे पहले सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइल्ड एक्टर वो लाए हैं बैरी एलन के लिए, बहुत ज्यादा सिमिलर फेस है एज्रा मिलर से। यानी जो किड है, बिल्कुल एक तरीके से लग रहा है कि एज्रा मिलर का सच में बचपन वाला ही कोई रूप है। तो हमें कुछ चाइल्डहुड सीन्स दिखाए जाते हैं बैरी एलन के, और फिर आपको वो सीन दिखाया जाता है जहां पे बैरी एलन की मॉम मर जाती है। अब फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन जो है, अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी है या आपने एनिमेटेड सीरीज देखी है, तो आपको पता होगा कि रिवर्स फ्लैश मारता है बैरी एलन की मॉम को। अब मूवी में सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है या नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, इसमें भी बैरी एलन की मॉम मारी गई है। और फिर जो यंग बैरी एलन है, वो अपने घर से भागता है। हमें लोगो दिखाया जाता है वार्नर ब्रदर्स का, फिर बैरी एलन को भागते हुए दिखाया जाता है। और आपने गौर किया होगा, जो एटमोसफियर है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम डे टाइम टू नाइट टाइम। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि वहां पे हमारा बैरी एलन खड़ा है स्नाइडर वर्स का, जिससे मैं बैरी फर्स्ट बोलूंगा। अच्छा गाइस, सूट को आप देख सकते हैं, सेम मटेरियल यूज किया गया है जिससे सुपरमैन के मैन ऑफ स्टील का सूट बना था। यानी जो मटेरियल लेटेक्स, आई थिंक इस मटेरियल को बोलते हैं, तो लेटेक्स मटेरियल वाला सूट है। लेकिन जो आप जानते हैं स्नाइडर कट वाला जो सूट था, उसमें डिफरेंट पीसेस को जोड़ा गया था, लेकिन ये पूरा फुल सूट है। और जब बैरी एलन रन करेगा, तो आप जानते हैं ये सूट पावर अप हो जाएगा। अच्छा गाइस, ये सीन इंपॉर्टेंट क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है जो बैरी एलन है हमारा फर्स्ट, वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करना सीख जाता है, लेकिन दूसरी टाइमलाइन में ट्रेवल करने से पहले वो ये चेक कर लेना चाहता है कि किस टाइमलाइन में उसकी मॉम जिंदा है। यानी कि गाइस, वो कई सारी टाइमलाइन में ट्रेवल करेगा। हो सकता है कुछ टाइमलाइन में उसकी मॉम एग्जिस्ट ही ना करती हो, या कुछ टाइमलाइन में उसकी मॉम ऑलरेडी मर चुकी हो, लेकिन फाइनली उसको एक ऐसी टाइमलाइन मिल जाती है जिसमें उसकी मॉम जिंदा है। और ये हमें ट्रेलर में भी दिखाया गया था कि बैरी एलन के चारों तरफ आपने देखा होगा ब्लू ब्लू लाइटनिंग घूमती रहती है। तो फाइनली बैरी एलन को वो टाइमलाइन मिल जाएगी जिसमें उसकी मॉम जिंदा होंगी। लेकिन इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले उसे किसी का एडवाइस चाहिए, और हम जानते हैं वो किसका एडवाइस लेगा। वो एडवाइस लेगा हमारे जो बेन एफ्लिक के बैटमैन है उनका। अच्छा, बेन एफ्लिक का जो ब्रूस वेन है गाइज, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं वो इसमें। खुशी इस बात की कि अब उनकी हेल्थ अच्छी है, और हम जानते हैं उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी ओपन किया है बेन एफ्लिक ने, तो खुशी हुई उनको देख के। और गाइस, फिर हमें दिखाया जाता है कि भैया, इस टाइमलाइन में तो दो दो बैरी एलन हैं। और आप जानते हैं एमसीयू जो है वो वेरिएंट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करता है, लेकिन जो डीसी है वो डॉपलगैंगर और वेरिएंट्स दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वो मैं बाद में कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन भैया, इस टाइमलाइन में दो दो बैरी एलन है, एक हमारा स्नाइडरवर्स वाला और एक हमारा नई टाइमलाइन वाला जो एक यंगर वर्जन है। और दोनों में फर्क दिखे इसलिए आप देख रहे हो कि हेयर स्टाइल चेंज कर दी गई है। और गाइस, ये जो सेकंड वाला बैरी एलन है अल्टरनेट टाइमलाइन का, इसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होंगी, इसलिए जब फाइनल बैटल होगा, और क्योंकि सुपर हीरोज एग्जिस्ट नहीं करते हैं नई वाली टाइमलाइन में ज्यादा, तो जो सेकंड वाला बैरी एलन है उसको भी पावर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा हमारा फर्स्ट बैरी एलन। लेकिन आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड बैरी एलन को तो स्पीडस्टर की पावर मिल जाएगी, लेकिन हमारा जो फर्स्ट बैरी एलन है स्नाइडर वर्स का, उसकी पावर चली जाएंगी। और फिर आगे गाइज, हमें रिंग दिखाई गई है जिसमें फ्लैश का सूट होता है। और जो मैंने ब्रेकडाउन किया था फ्लैश मूवी की प्रीक्वल कॉमिक बुक का, उसमें हमको ये पता चला था कि बेन एफ्लिक का जो एल्फ्रेड है वो ये सूट वाली रिंग देता है हमारे स्नाइडर वर्स वाले बैरी एलन को। फिर हम देखते हैं कि बैरी एलन बेन एफ्लिक को समझा रहा है कि हाँ, मल्टीवर्स में ट्रेवल करना खतरनाक है, लेकिन वो इसे हैंडल कर सकता है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन गाइज, आप जानते हैं गड़बड़ होगी, और बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। और गड़बड़ क्या होगी? जनरल जॉर्ड का रिटर्न होगा। और गाइज, ये जो मैन ऑफ स्टील वाला सीन है, ये आई थिंक दो जगह पे हमको दिख सकता है।
एक तो क्लाइमैक्स में जो फाइट सीन होगा कि जनरल जॉर्ड रिटर्न हो गया है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन शायद मूवी के स्टार्टिंग में भी हमें एक ग्लिम्स दिखाया जाए कि जब हेनरी केविल की मैन ऑफ स्टील के इवेंट हुए थे तो बैरी एलन भी मौजूद था वहां पे, और बैरी एलन के पास जो हमारा स्नाइडरवर्स का बैरी एलन है उसके पास पहले से स्पीडस्टर की पावर है, और मैन ऑफ स्टील के इवेंट्स के दौरान शायद वो लोगों को बचा भी रहा था, क्योंकि जो टॉयज रिवील किए गए हैं फ्लैश मूवी से रिलेटेड, इसमें हमें एक प्रोटोटाइप सूट दिखाया गया है जो मैन ऑफ स्टील इवेंट्स के दौरान बैरी एलन पहनता था। तो आई थिंक मैन ऑफ स्टील के हमको दो रेफरेंस मिलेंगे, एक तो मूवी के स्टार्टिंग में मिलेगा और एक क्लाइमैक्स के फाइट सीन में मिलेगा। और फिर बैरी एलन बोलता है कि उसने एक तरीके से टाइमलाइन को गड़बड़ कर दिया है और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, जनरल जॉर्ड रिटर्न हो गया है। और जनरल जॉर्ड तो गाइज बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, ये एक्टर जो है जनरल जॉर्ड के, आई थिंक माइकल शेनॉन नाम है इनका, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। और फिर क्योंकि इन्हें सुपर हीरोज की जरूरत है, क्योंकि नई वाली टाइमलाइन में ज्यादा मेटा ह्यूमंस नहीं है, तो इनको पता चलेगा कि एक फैसिलिटी में क्रिप्टोनियन बंद है, तो इन लोगों को शायद ये लगे कि क्लार्क शायद ये नई वाली टाइमलाइन में फैसिलिटी में बंद है, लेकिन जब ये लोग उसे छुड़ाने जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि वो क्लार्क केंट नहीं है, यानी कि काल एल नहीं है, बल्कि उसकी बहन है कारा। आगे फिर आप देख रहे हैं कि जो आर्मी है वो फाइट करने की कोशिश कर रही है जनरल जॉर्ड की आर्मी से, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें मेटा ह्यूमंस हैं इस वाली टाइमलाइन में, तो जो ह्यूमन सोल्जर्स हैं वो जनरल जॉर्ड की आर्मी को रोक नहीं पाएंगे। अच्छा गाइस, ये जो सीन है आई थिंक ये वही वाला सीन है जब हमारा बैरी फर्स्ट सेकेंड वाले बैरी एलन को पावर देने की कोशिश करेगा, यानी जिन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बैरी फर्स्ट को पावर मिली थी, आई थिंक वो सेम एक्सपेरिमेंट्स दोहराएगा ताकि वो पावर को ट्रांसफर कर सके सेकेंड बैरी को। लेकिन आप जानते हैं क्या होगा, सेकेंड वाले बैरी एलन को तो पावर मिल जाएगी, लेकिन हमारा फर्स्ट वाला जो बैरी एलन है वो एक तरीके से पावरलेस हो जाएगा, और बाद में मूवी में शायद उसे भी पावर मिल जाए एक डिफरेंट टेक्निक के थ्रू। आगे आप देखते हैं दोनों बैरी एलन बैट केव में हैं, और फिर गाइज माइकल कीटन का बैटमैन हमको दिखाया जाता है, जो एक तरीके से मेन सेलिंग पॉइंट है इस मूवी का, क्योंकि माइकल कीटन के बैटमैन को रिटर्न होते हुए देख के लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। और फिर हमें बैट साइकिल या बैट बाइक आप जो भी बोल लीजिए बेन एफ्लिक की दिखाई गई है, और ये सीन गाइज आप देखिए यहाँ पे सुपर गर्ल है और वो एज्रा मिलर को उठाए हुए है, और ये एज्रा मिलर जो है ये बैरी फर्स्ट है यानी स्नाइडर वर्स के बैरी एलन, क्योंकि उसने अपनी पावर खो दी थी नई वाली टाइमलाइन में आके। अब जनरल जॉर्ड से लड़ने के लिए जितने ज्यादा मेटा ह्यूमन हो पाए उतना बेहतर है, तो जो बैरी फर्स्ट है वो दोबारा एक्सपेरिमेंट को दोहराएगा और सुपर गर्ल उसको शायद ऊपर हवा में उठा के लेके जाएगी, वहां शायद जब बैरी एलन पे इलेक्ट्रिक शॉक या जो बिजली कड़कती है वो टकराएगी तब शायद उसकी पावर रिटर्न हो। फिर गाइस कूल सीन दिखाया गया है हमारे फ्लैश के नए सूट का, और गाइस ये वो सीन है जब स्पीड फोर्स के अंदर हमारा बैरी एलन खड़ा है, और आई थिंक इसके साथ में सुपर गर्ल है, आई थिंक सुपर गर्ल है, या हो सकता है ये आयरिस हो, आयरिस वेस्ट। और गाइज आपको तो पता ही है कि फ्लैश के पास ये पावर होती है कि वो किसी और शख्स को भी कुछ देर के लिए स्पीड फोर्स के अंदर ला सकता है, ये चीज आपने जो ग्रैंड गस्टिन की फ्लैश सीरीज थी उसमें भी आपने देखा होगा कि जब कोर्ट रूम का सीन हुआ था सीजन 4 में, तो आयरिस वेस्ट को भी बैरी एलन अपने अंदर स्पीड फोर्स के अंदर ले आया था, यानी बैरी एलन के पर्सपेक्टिव से दूसरा शख्स चीजों को देख सकता है। तो शायद ये वही वाला सीन है जहां पे आइडेंटिटी शायद खुल जाए कि बैरी एलन ही फ्लैश है। और फिर आता है मोस्ट ऑसम सीन, हमारे दोनों बैरी एलन, एक हमारा जो येलो लाइटनिंग का है और एक हमारा ब्लू लाइटनिंग का है। अच्छा गाइस, जो नया वाला बैरी एलन है बैरी सेकंड, उसकी ब्लू लाइटनिंग है, और जब हमारा फर्स्ट वाला बैरी एलन अपनी पावर्स रीगेन कर लेगा तो शायद उसकी लाइटनिंग बदल के येलो हो जाएगी, यानी शायद ये कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है कि जो नया नया स्पीडस्टर है, जो लेवल 1 का स्पीडस्टर है वो ब्लू लाइटनिंग शो करता है, लेकिन जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता रहेगा वो येलो लाइटनिंग में चेंज होता जाएगा। तो हमारा फर्स्ट बैरी एलन क्योंकि लेवल 2 का स्पीडस्टर वो बन चुका है, वो ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो शायद इसलिए उसे येलो लाइटनिंग दिखाई जा रही है, लेकिन फर्स्ट बैरी एलन जो है हमारा वो ब्लू लाइटनिंग में है, और दोनों अपने शूज को टकराते हैं, और आप देख रहे हैं पावर ट्रांसफर हो रही है, यानी जो हमारे बैरी फर्स्ट की येलो लाइटनिंग है वो ट्रांसफर होके इधर आ गई, और बैरी सेकंड की जो ब्लू लाइटनिंग है वो ट्रांसफर होके दूसरी तरफ आ गई, और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। और यहाँ पे बैरी फर्स्ट हमारा बैरी सेकंड को समझा रहा है कि उसे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा वरना चीजें गड़बड़ हो जाएंगी और कोई फ्यूचर ही नहीं बचेगा। अच्छा गाइज, ये जो मूवी है बैरी एलन के स्टोरी आर्क को एक तरीके से कंप्लीट कर देगी, कैसे कंप्लीट करेगी उस पर मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर एज्रा मिलर रिटर्न नहीं भी हो रहे हैं फ्लैश के तौर पर फ्यूचर में, तो आई थिंक फ्लैश मूवी के थ्रू उनके स्टोरी आर्क को भी एक सेटिस्फाइंग एंड मिलेगा। आगे आप देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर किया जा रहा है और हमारे फर्स्ट बैरी एलन की पावर वापस लाने की कोशिश की जा रही है।
फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सुपर गर्ल की फाइट चल रही है जॉर्ड के साथ, और ये कहा जा रहा था कि पहली बार जब ये फाइट होगी तो सुपर गर्ल शायद मारी जाएगी, और सुपर गर्ल जब मारी जाती है उसी वजह से हमारा डार्क फ्लैश बन जाता है। डार्क फ्लैश वही जो इस मूवी का विलन है, जो ब्लैक सूट पहनेगा और रेड लाइटनिंग निकालेगा। सुपर गर्ल अपने हीट विजन का इस्तेमाल कर रही है और हमारे बेन अफ्लेक का ब्लू ग्रे सूट दिखाया जा रहा है। किसने गाइज उम्मीद की थी कि कभी हमें लाइव एक्शन में ब्लू ग्रे सूट देखने को मिलेगा, लेकिन भैया देखने को मिल गया। और अगर बेन अफ्लेक फ्यूचर में बैटमैन नहीं प्ले कर रहे हैं और ये उनका लास्ट अपीयरेंस है, तो मैं यही चाहूंगा कि अच्छा अपीयरेंस इनका हो और एक तरीके से एक अच्छा फेयरवेल इनको मिले। और यहाँ बीच में देख सकते हैं डार्क फ्लैश है गाइस, रेड लाइटनिंग है जैसा कि मैंने बताया था, ब्लैक सूट है, यानी ऐसे ही मेटा ह्यूमंस की कमी है सेकंड वाली टाइमलाइन में, प्लस इन लोगों को जॉर्ड से भी लड़ना है और डार्क फ्लैश से भी लड़ना है, यानी लास्ट वाली फाइट तो गाइस कमाल होने वाली है। और फिर ये लोग फैसिलिटी से छुड़ाने की कोशिश करते हैं सुपर गर्ल को, और यहाँ पे फिर हम देखते हैं सुपर गर्ल अपनी पावर दिखाती है क्योंकि सूरज में आने के बाद उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। और ह्यूमर भी ठीक ठाक है इस ट्रेलर में, और फिर लास्ट सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जिसमें हमें सुपर गर्ल उड़ती हुई दिखाई जा रही है। तो ओवरऑल गाइज मैं ट्रेलर की बात करूँ तो एक परफेक्ट ट्रेलर है। अच्छा गाइज अभी जो ट्रेलर को हेट कर रहा है तो आप समझ जाइए वो डीसी हेटर ही है, क्योंकि इस ट्रेलर में तो फिलहाल कोई कमी नहीं है। और इसीलिए आपने गौर किया होगा कि इस ट्रेलर के अगेंस्ट जो हेट फैलाया जा रहा है वो ट्रेलर की क्वालिटी की वजह से नहीं फैलाया जा रहा है। जो एज़रा मिलर की एलिगेशंस रहे हैं उनके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी जो हुई हैं, या तो उस वजह से हेट फैलाया जा रहा है, या तो जो एक ट्रेंड चल रहा है कि फ्लैश को फ्लॉप करवाओ, शज़ैम 2 को फ्लॉप करवाओ, एक्वामैन 2 को फ्लॉप करवाओ ताकि स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो जाए, तो बस यही दो वजह से हेट है इस ट्रेलर के अगेंस्ट। वरना क्वालिटी पे तो गाइस कोई भी आप इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं बता सकते, एक वेल बैलेंस्ड ट्रेलर ये है। बाद में गाइस और ज्यादा डिटेलिंग में डिस्कशन में करूंगा क्योंकि बात करने के लिए बहुत कुछ है इस ट्रेलर में। तो आपको कैसा लगा ट्रेलर प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।